चाको टेल्स वर्कशॉप का हुआ समापन। दो दिन से चल रही सेक्टर एफ जानकीपुरम में इस वर्कशॉप का हुआ समापन। इस वर्कशॉप का आयोजन चाको टेल्स की ओनर शिल्पी सक्सेना द्वारा किया गया था। इस वर्कशॉप में आई कानपुर की मशहूर शेफ कविता सिंह द्वारा सैकड़ों महिलाओं को हिंदुस्तान की प्रसिद्ध मिठाइयों से रूबरू कराया गया। वहां पर मौजूद तमाम महिलाओं ने कविता सिंह द्वारा केक, मिठाइयां और खास तौर से बच्चों के लिए बनाए गए तरह तरह के व्यंजनों को बनाना सीखा। वहां पर मौजूद तमाम महिलाओं ने कविता सिंह द्वारा बनाई मिठाइयों की जमकर तारीफ की और महिलाओं ने बताया कि ये हम लोगों के लिए खास मौका है जो नई नई चीजें सीखने का। इस वर्कशॉप में चीफ गेस्ट रही शेफ अलका सिंह तोमर व मंजुलिका अस्थाना। इन दोनों का शिल्पी सक्सेना द्वारा जोरदार फूलों से स्वागत किया गया। वहां पर तमाम महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं कविता सिंह व मंजुलिका अस्थाना को फोटो फ्रेम देकर भी सम्मानित किया गया। यहां पर आई हुई तमाम महिलाओं ने इस वर्कशॉप की जमकर सराहना की। इस वर्कशॉप में लखनऊ के साथ साथ हिंदुस्तान से कई महिलाओं ने भाग लिया और फेसबुक लाइव पर भी ऑनलाइन इस वर्कशॉप को अटेंड किया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मैम, आज यहाँ पे जो वर्कशॉप का आयोजन किया गया, क्या कार्यक्रम था, किस तरह? नमस्कार, मैं शेफ कविता सिंह। सो मैं थैंक्स देना चाहूंगी चाको टेल्स शिल्पी सक्सेना को, जिनके दिमाग में इतना अच्छा थॉट आया कि मैम मैं चाहती हूँ कि आप लखनऊ आए और अपनी जो सिग्नेचर रेसिपीज है यहाँ पर आकर लोगों को सिखाएं, ताकि वो भी रूबरू हो कि किस तरह से हमारे इंडियन डेजर्ट एक मोटिफाई होकर इस तरह से इंटरनेशनल डेजर्ट पे आते हैं। तो चाको टेल्स शिल्पी ने आज ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की और दो दिन से ये वर्कशॉप चल रही है। आज ये फिनिश हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 तरह के डेजर्ट मैंने सिखाए हैं, जिनमें जो हमारे इंडिया के फेमस हर घर में तीज त्योहार पर बनते हैं स्वीट डिश, यानी कि पंजीरी, कड़ा प्रसाद, लौकी का हलवा, मोतीचूर के लड्डू, रबड़ी, जलेबी, गुलाब जामुन, घेवर एंड मालपुआ और गुजिया। ये सारी रेसिपी यहाँ पर मैंने इनको पहले लाइव जो ऑथेंटिक होती है वो बनाना सिखाया, फिर उसे मॉडिफाई कैसे करते हम एक इंटरनेशनल क्यूजिन पे इसे ले जाना। तो इसकी जो हाइप है वो इस तरह से मैंने आज इन्हें सिखाई कि कैसे। मेरा एक मोटो था कि हर घर में जो आज की जनरेशन है, जो हमारी इन लॉस्ट रेसिपीज को आज के बच्चों को नहीं पता है इतना कि ये कैसे बनते हैं या क्या होते हैं। तो मेरा मकसद था और शिल्पी का मकसद कि इन रेसिपी से, इस वर्कशॉप से हम लोगों को ये एक मैसेज दे सके कि चाहे हम कुछ भी खा लें, लेकिन जो ऑथेंटिक हमारे डेजर्ट हैं उनका मुकाबला नहीं है। जी बिल्कुल, रियल मोटो तो यही है कि आप फेस्टिवल हो या डेली का खाना हो या कभी गेट टुगेदर हो, कुछ भी हो, आप जो भी डेजर्ट है या जो भी खाना है वो घर पे बनाए। सो दिवाली का टाइम है, फेस्टिवल आने वाला है, तो ये मिठाइयां मैंने इसीलिए सबको सिखाई
कि अब वो अपने घरों में इन्हीं मिठाइयों को बनाए और इन्हें इस तरह से प्रेजेंट करें कि जो लोग नहीं भी खाते थे वो खाएं, क्योंकि हमें कभी भी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सो जो भी चीजें हम बनाएं वो फ्रेशली बनाएं, ताकि लोगों की हेल्थ, हमारे फैमिली की हेल्थ, हमसे जुड़े लोगों की हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। यहाँ पर जलेबी का जिक्र किया जा रहा है कि स्पेशल टाइप की जलेबी है, क्या है उसमें? जलेबी बिल्कुल, अभी तक हम जो है वो जायका लेते थे जलेबी का दही से, या बहुत थोड़े पुराने लोग जो है हमारे घर के ना, तो वो दूध में डालकर खाना पसंद करते थे, क्योंकि जब जलेबी ठंडी हो जाती थी तो उसमें घी सेपरेट हो जाता था, तो उसे गर्म दूध में डालकर। यहाँ पर मैंने की एक मॉडिफाई किया जलेबी को रबड़ी के साथ और एक क्रम्बल जो बिस्किट क्रम्स होता है उसके साथ, सो एक अमेजिंग सा ट्विस्ट दिया है, ताकि ये यानी कि ये बन गया जलेबी रबड़ी परफेक्ट मूस। सो परफेक्ट जस्ट लाइक एक इटालियन हमारा डेजर्ट है, जिसे हम ग्लास में पुडिंग करते हैं, सो वो इसे मैंने आज इस तरह से प्रेजेंट किया। बच्चों के लिए मैंने एक यहाँ पे चॉकलेट का फ्लेवर दिया, क्योंकि बच्चे चॉकलेट के क्रेजी होते हैं, और अगर आपने उनको चॉकलेट का नाम लेकर ये डेजर्ट खिलाया तो वो डेफिनेटली खाएंगे, क्योंकि मैंने इस पर एक अमेरिकन टच दिया है कड़ा प्रसाद के साथ। तो कड़ा प्रसाद जो कि इंडिया में हमारे इतना फेमस और हर किसी को पसंद है, तो वो मैंने प्रेजेंट किया, ताकि आज बच्चों को भी वो रेसिपी एक लगे कि कुछ चॉकलेट का भी है। चॉकलेट सुनते ही वो क्रेजी हो जाते हैं। सो ऑलमोस्ट बच्चे सारी डिशेस खा सकते हैं। केक के रूप में मालपुआ क्रैप केक है, उन्हें केक का फील आएगा, और हमारे इंडियन ऑथेंटिक जो मालपुआ है उसका भी। मैम आज यहाँ कार्यक्रम में आई, किस तरह का कार्यक्रम था यहाँ पर, क्या संदेश है? यहाँ पे एक मैसल मंजुलिकर था ना, यहाँ पे जो है एक वर्कशॉप था। कविता जी जो आई हैं, शेफ कविता जी कानपुर से आई हैं, और जिनको शिल्पी जी ने यहाँ पे इनवाइट किया है, और जो हम लोग शेफ हैं, हम लोग यहाँ पर एक ही मैसेज जाता है कि सभी जितने भी लोग वर्कशॉप करने आए हैं, जो हमारी ऑथेंटिक डिशेज हैं वो कहीं गायब ना हो जाएं, और उनको हमने एक कविता जी ने जो है एक नया लुक दे करके जो है उसको इतना टेम्पटिंग बना दिया है कि जो भी बच्चे ना भी खाते हों वो चीज़ें वो खा सकें। तो इस तरह से ये डिशेज इतनी अच्छी हैं कि वाकई में बहुत ही खूबसूरत हैं देखने में, और खाने में बहुत न्यूट्रिशियस हैं। क्या नाम है आपका? मैसेल्फ शिल्पी सक्सेना फ्रॉम चौकोटेज। ये तैयार जाते हैं कार्यक्रम किया गया, किस तरह कार्यक्रम था, और जो लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं उनको किस तरह का संदेश दें? बिल्कुल, मेरा जो वर्कशॉप था यहाँ पे, मैंने कविता मैम को बुलाया था, और ये इंडियन फ्यूजन को लेकर हम लोग ने एक डेजर्ट वर्कशॉप रखा था। सिंपल रसगुल्ला जलेबी सब खाते हैं, लेकिन उसी को इंटरनेशनल डिशेज में कैसे चेंज करते हैं, मैं वो चीज़ लोगों को बताना चाहती थी, क्योंकि मैं देखती थी काफ़ी लोग काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स को बीट कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो मैं चाहती थी उन लोगों को एक ट्रेनिंग कविता मैम के थ्रू मिल सके, और मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद हो सके उनके लिए। तो मैंने इसीलिए वर्कशॉप प्लान की, ताकि एक हाथ के साथ ही दूसरा हाथ आगे बढ़ता है, अकेले किसी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। आज हमारे पास 20 महिलाएं थी, इसमें से 15 यहाँ पे थी और 5 ऑनलाइन थी, जो झांसी से थी, झारखंड से थी, नोएडा से थी, और हिमाचल प्रदेश से थी। बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि कविता मैम बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं, और हम लोग की ये सीढ़ी है एक तरह से चढ़ने के लिए, तो मैं बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ इस समय इसको और इसको पाकर। थैंक यू सो मच। ये जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो सीखने आए हैं, बिल्कुल, इनके लिए क्या कुछ संदेश है? सब मैं चाहती हूँ रॉक करें, और सब अपने अपने स्टेजेस पे बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, और अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प से वो चीज़ें आगे बढ़ पाएं तो मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट होगा।